समस्या का जो भय है वो इनको रात के नींद सोने नहीं देता है और दिन में तो बेचैनी होती है। सबसे हास्यपद है कि विशेष राज दर्जे की बात जिसका विषय ही अब समाप्त हो गया, जनता को भी मालूम है कि ये लोग केवल ठगने के लिए सत्ता में आने के बाद इस विषय को उठाते हैं। जितना भी पोस्टर लगाइए, जनता भी देख रही है और कानून भी देख रहा है, आपको कोई बचने का मौका नहीं दिया जाए। आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। बिहार आने पर भी कोई पाबंदी थोड़ी है कि बिहार आए हैं तो बिहार के हक हुकूक पिछड़ेपन की बात होगी कि जितना प्रयास भाजपा के संगठन के द्वारा किया जा रहा है अनेक संसाधनों को देकर कि भीड़ जुटा ली जाए, कितने लोग इनको सुनने के लिए भी आ पाते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर हैं। आज उनका लखीसराय में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, रैली को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इस रैली को लेकर, या यूं कहें कि अमित शाह के एक बार फिर से बिहार आगमन को लेकर सियासी बयानबाजी होने लगी है। एक तरफ जदयू है तो दूसरी तरफ बीजेपी। बिहार में जदयू के नेता अमित शाह के आगमन पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जब भी बिहार आने वाले होते हैं या बिहार जब आ रहे हैं तो इनके रातों की नींद उड़ जाती है। सबसे पहले हम आपको चाहेंगे कि आप जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा के बयान को भी सुने और उसके तुरंत बाद पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के इस बयान को भी सुनिए, जिसमें उन्होंने जदयू पर या फिर यूं कहें कि सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है अमित शाह की इस रैली को लेकर के। अमित शाह का जो भय है वो इनको रात के नींद सोने नहीं देता है और दिन में तो बेचैनी होती है, इसलिए उनके बेचैनी से भाजपा को कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की जनता ने देखा है कि किस प्रकार अमित शाह जी ने पूरे देश में एक अपनी छवि बनाई है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में, और उनका सशक्त नेतृत्व जो रहा है चुनाव संचालन से लेकर अध्यक्ष के रूप में, उससे कहीं ना कहीं ये लोग दबाव में रहते हैं। और जहाँ जिन विषयों को उठाने की बात है, सबसे हास्यपद है कि विशेष राज दर्जे की बात जिसका विषय ही अब समाप्त हो गया, जनता को भी मालूम है कि ये लोग केवल ठगने के लिए सत्ता में आने के बाद इस विषय को उठाते हैं। जहाँ तक बाकी मुद्दों की बात है तो मुझे लगता है कि आज सीबीआई ईडी का दर क्यों है, ये सारे भ्रष्टाचारी इसीलिए तो पटना में जुटे थे, उनको मालूम है कि घोटालेबाजों पर कार्रवाई हो रही है, तो घोटालेबाजों को पोस्टर लगाने से छोड़ थोड़ी दिया जाएगा। आप जितना भी पोस्टर लगाइए, जनता भी देख रही है और कानून भी देख रहा है, आपको कोई बचने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जिन बात कर रहे हैं आज जो उसी विषय पर, खिलाड़ी वाले विषय पर कितने अलग अलग स्टैंड आ गए हैं, ये तो सभी लोगों ने देखा है कि संगठनों ने कैसे किस प्रकार से दबाव में आकर किसी व्यक्ति विशेष को हटाने के नाम पर किस प्रकार से खिलाड़ियों को बरगलाने का काम किया। और ये लोग जिस मुद्दे को बनाते हैं उस मुद्दे की हवा पहले निकल जाती है, बाद में ये मुद्दे पर आते हैं। जहाँ तक मणिपुर की बात है, मणिपुर में सरकार ने कड़ाई से कदम उठाया, माननीय गृह मंत्री जी खुद उस जगह गए, और देश भर में कितनी घटनाएं घटी हैं इन लोग के राज्य में, पंजाब का, तमिलनाडु का, भूल गए क्या? पूरे नक्सल एरिया बना रहता था, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भूल गए क्या? कहाँ सोए हुए थे उस समय? आज तो पूरा देश में एक कानून का भी व्यवस्था चल रहा है और अपराधी को, आतंकवादी को मालूम है कि कोई पनाह नहीं मिलने वाली भारत। ये लोग को रात की नींद टूट जाती है जब अमित शाह आते हैं, इनको मालूम है कि बिहार में अमित शाह के आने पर आम जनमानस जो जोश और खरोश होते हैं। आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। बिहार आने पर भी कोई पाबंदी थोड़ी है, इससे पहले भी कई दफे बिहार आए हैं। बिहार के लोगों ने अपेक्षा की थी कि बिहार आए हैं तो बिहार के हक हुकूक पिछड़ेपन की बात होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बातें ही की। एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं, अब तो बिहार के लोगों ने अपेक्षा करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि बिहार के लोग समझ चुके हैं बिहार आएंगे राजनीतिक तनाव पैदा करने वाली और उन्मादी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। और ये लोग मुगालते में है कि जिस तरह का समर्थन पिछले लोकसभा के चुनाव में बिहार के लोगों ने दिया था, इस बार भी वही होगा। इस बार बिहार के लोगों ने मन बना लिया है किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है। और देखना दिलचस्प होगा कि जितना प्रयास भाजपा के संगठन के द्वारा किया जा रहा है अनेक संसाधनों को देकर कि भीड़ जुटा ली जाए, कितने लोग इनको सुनने के लिए भी आ पाते हैं। तो सुना आपने, जदयू और बीजेपी आमने सामने है, नीतीश कुमार की पार्टी एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, इसके अलावा अमित शाह के इस आगमन को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है।
एक तरफ अभिषेक झा ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार के लोगों ने अब अपेक्षा करना बंद कर दिया है, क्योंकि उम्मीद ये रहती है, अमित शाह पिछली बार भी जब आए थे तो उम्मीद थी कि वो बिहार को लेकर कुछ कहेंगे, बिहार के विकास को लेकर कुछ कहेंगे, बिहार के लोगों के लिए कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बातें की। तो वहीं दूसरी ओर नितिन नवीन, जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जो पिछली सरकार थी उसमें, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कह रहे हैं कि इनके रातों की नींद उड़ जाती है जब अमित शाह आने वाले हैं। इसके साथ ही अमित शाह को लेकर के उन्होंने कई सारी बातें कही, अमित शाह के उन कामों को भी गिनाया जो उन्होंने किया है देश स्तर पर या राज्य स्तर पर। तो तमाम तरह की बयानबाजी और तमाम तरह की सियासत अमित शाह की इस रैली को लेकर फिलहाल बिहार में होने लगी है। अब देखना है कि जब रैली लखीसराय में होती है तो अमित शाह मंच से क्या कुछ कहते हैं, किस प्रकार उनका संबोधन होता है। बने रहना इसी चीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।